जब एक हार्ट अटैक होता है तो नुकसान 3 कोरोनरी आर्टरीज में देखा जा सकता है। दिल शरीर को पोषण देने के लिए करीब 1,00,000 किलोमीटर की लंबाई के वेसल्स में खून को पंप करता है, लेकिन इसके साथ ही दिल कोरोनरी आर्टरीज में भी खून को पंप करके अपने लिए पोषण लेता है। अगर एक कोरोनरी आर्टरी भी बीमारी से ब्लॉक हो गई, अगर खून की पोषण देने वाली धारा कम होती गई, अगर दिल को पोषण नहीं मिला और अगर फौरन चिकित्सा न की गई तो नतीजे घातक हो सकते हैं। आर्टरी है जो यहाँ से आती है, यह आर्टरी यहाँ बहुत बड़ी और तंदुरुस्त लगती है, लेकिन फिर अचानक ही इस आकार की आर्टरी से इस आकार की आर्टरी में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है और फिर एक तरह से ये खुल जाती है। यहाँ ठीक इस जगह पर वो क्षेत्र है जहाँ खास ब्लॉकेज बनना होता है। तंदुरुस्त कोरोनरी आर्टरीज में खून का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है। बीमार हो चुकी कोरोनरी आर्टरीज में एक चर्बी युक्त तत्व जिसे प्लाक कहते हैं आर्टरी की दीवार पर जम जाता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है ये फूलकर दौड़ रहे खून के रास्ते में आने लगता है। इससे दिल के लिए लगातार जरूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जिससे समय समय पर सीने में दर्द या सांस के फूलने के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन हार्ट अटैक्स की वजह ज्यादातर वो प्लाक होता है जो आर्टरी के बीच में ना आकर उसके वॉल से चिपका रहता है। कोरोनरी आर्टरी की बीमारी में एक सबसे डरावनी बात यह है कि ये बहुत लंबे समय रप्चर हो सकता है। रप्चर होता है जिससे ब्लड क्लॉट बनता है और कोरोनरी आर्टरी का बाकी हिस्सा ब्लॉक होता है और हार्ट अटैक हो सकता है। यही असल में हार्ट अटैक की सबसे आम वजह है। आजकल जहां वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनस्टेबल प्लाक को कैसे पहचाना जाए, वहीं डॉक्टर्स मरीजों के जोखिम को कम करने की कोशिश और मदद करने